प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना इलाके की दस सराय चौकी से चंद कदम की दूरी पर हो रही जुआ और सट्टा के कारोबार की सूचना पर एसओजी टीम दबिश देने पहुंची थी। एसओजी टीम को देखकर जुआ और सट्टा कारोबारियों ने एसओजी टीम को घेर लिया और उन पर फायरिंग और पथराव कर दिया। एसओजी टीम ने अपने बचाव में हमला करने वाले उपद्रवियों पर फायरिंग की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में एसपी सिटी अमित कुमार आनंद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस पर हमला करने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लगातार इलाके में हमला करने वालों के घर पर दबिश दी जा रही है। इलाके में रहने वालों के घर पर चेकिंग की जा रही है। बाद में पुलिस बल ने आरोपी के घर में पहुंचकर तोड़फोड़ की है और सभी जुए और सट्टे के कारोबार से जुड़े सबूत इकट्ठा कर लिए। मेरा नाम नाज है, मैं इश्तेहार की वाइफ हूँ और मेरे शौहर घर में सो रहे थे, घर पे ही थे और पुलिस वाले आए और उन्होंने जो है आके फायरिंग करी, हमें सबको मारा। मेरे प्रेग्नेंट हूँ, धक्के दिए, वो भी जेंट्स पुलिस ने थप्पड़ मारे, पैरों पे डंडे मारे, अम्मी को भी मारा है और आके बहुत बुरी तरीके से मारे, फायरिंग करी। देखो ये दाना है, तीन चार रहे हैं, दरवाजे तोड़े, और ये मुखबिरों के जरिए कराए इन्होंने। अच्छा, ये कैसे किया बता रहे हैं आपकी, ये कौन है? ये हमारी सास है। सास है जी, साथ में बताया पुरानी रंजीश, पुरानी रंजीश है। हमारे ससुर को भी इन्होंने ही मारवाया था। ये कौन है, मानने वाले फिरोज हैं, कई चार पांच लोग हैं, इनका गैंग है, सब हिस्ट्री सीटा नहीं, सब लोग बदमाश टाइप के जितने भी हैं। साबिर का भी नाम ले रही, कालिया साबिर है, काफी सारे लोग हैं, अजीम है, कलीम है, ये है, ये सब लोग हैं। इन्होंने पुरानी रंजिश निकाली है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर पे ही थे। तो यहाँ से कितने जनों को लेकर गए? यहाँ से तीन लोगों को लेकर गए, तीनों भाइयों को। क्या क्या नाम? एक का नाम है इश्तेहार है, दूसरे का फरमान है, तीसरे का रेहान है। और दो मोहल्ले के लोग हैं जो गली में थे, उनको भी लेकर गए हैं। और जितने हम घर में बाकी थे, हम सबको मारा, हम पे डंडे मारे हैं उनके पास, और जितने भी माउजर से पुलिस खड़ी, मतलब पुलिस को ये ना मालूम आप किसी हाल से हैं? नहीं, वो कुछ नहीं देख रहे थे, धक्का दे रहे थे, हमारे घर में तोड़फोड़ कर रहे थे, मेरे पैरों में बहुत मारे, डंडे मारे, चाटा चाट मारे बहुत ज्यादा। पैसे लेकर गए, हमारे सेफ में रखे थे, सेफ खुली पड़ी है, सेफ में से ले गए, कवर्ड में से रखे हैं, और जो हम जेवर पहन रहे थे वो सारा निकाल के लेकर गए। सर्चिंग कर रहे थे लेडीज पुलिस, सब छीन छीन के लेकर जा रहे थे, कुछ भी नहीं छोड़ा, जितनी एलसीडी वगैरह है सारी तोड़ फोड़ कर रही है। और जो हमारे ससुर का केस चल रहा है उसमें मेरे हस्बैंड जो है विटनेस से गवाह है। अंदर जुए और सट्टे की सूचना थी, इसमें पुलिस टीम को भेजा गया था, कार्रवाई के दौरान उन पर पथराव और गोली चलाई गई है, जिसमें रिइंफोर्समेंट के लिए फोर्स भेजी गई थी। मौके से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन अभी चलाया गया है।